To stay updated, subscribe to TJ Academy. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम देखने जा रहे हैं मार्केट इक्विलिब्रियम की मैथमेटिकल अप्रोच। देखिए, हमारे पास डिमांड फंक्शन गिवन है, सप्लाई फंक्शन गिवन है, यानी डिमांड कर्व गिवन है और सप्लाई कर्व गिवन है, और हमें मालूम करना है, कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं कि हमें चाहिए फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और जब डिमांड सप्लाई बनता है तो मार्केट प्राइस होती है, तो वहाँ दो चीज़ें और मिल जाती हैं आपको, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। ये चार चीज़ें हमें फाइंड करनी है इन दोनों फंक्शंस के थ्रू। लेकिन सबसे पहले इस करेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है, वो ये है कि सबसे पहले इनको ड्रॉ कर लें। गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, नीड नहीं होगी लेकिन गलती के चांस कम हो जाते हैं। कैसे, देखें। क्वांटिटी, प्राइस, देखें, डिमांड ड्रॉ करें। ड्रॉ करने का वही तरीका है, एक बार प्राइस को जीरो पुट करेंगे, एक बार क्वांटिटी को जीरो पुट करेंगे। तो प्राइस को अगर जीरो रखें तो क्वांटिटी आ जाएगी 150, और अगर क्वांटिटी को जीरो पुट करें तो प्राइस आ जाएगी, इसको अगर जीरो रख दें तो इसको सॉल्व करेंगे तो प्राइस आ जाएगी आपके पास 30। जब इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे तो आपके पास जो कर्व आ गया, ये आपके पास आ गया डिमांड कर्व, क्योंकि हमने इसी को ड्रॉ किया। बिल्कुल तरीके से अगर सप्लाई को ड्रॉ करना चाहें तो प्राइस को जीरो पुट करेंगे, प्राइस को जीरो करेंगे, क्वांटिटी बच जाएगी -100, वो यहाँ पर कहीं आ गए। और क्वांटिटी को अगर जीरो पुट करेंगे तो, अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो देखें, अगर क्वांटिटी को जीरो रखा, -100 प्लस 5p, 100 इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा 5p, और p इज इक्वल टू 100/5, यानी 20। तो प्राइस आपके पास आ गई कितनी, 20। और इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिला दें तो ये आपके पास सप्लाई का बिहेवियर आया। अगर आपको सप्लाई कर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला चाहिए, आप इसी को एक्सटेंड कर दें, ये आपके पास सप्लाई आ गई। अब देखें, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिमांड सप्लाई आपको इंटरसेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो बेसिकली अगर हम ग्राफिकल बात करें तो जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से निकल रही है इक्विलिब्रियम प्राइस और यहाँ पर आ रहा है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो आप देख सकते हैं कि जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपको रिसीव हो रहा है, बेसिकली वो पॉइंट है जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, इसका मतलब ये होता है उस पॉइंट पर दोनों की वैल्यूज़ कैसी हैं, बराबर हैं। तो जब इस पॉइंट पर दोनों की वैल्यूज़ बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब इस पॉइंट पर क्वांटिटी डिमांड बराबर है किसके, क्वांटिटी सप्लाई के, क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप इसको इक्वेट कर दें ज़रा, 150 - 5p is equal to -100 + 5p, इधर ले आए ये हो जाएगा 250 10p, और यहाँ पे प्राइस निकल जाएगी 25। इसका मतलब ये जो प्राइस हमारे पास रिसीव हुई, ये है आपके पास 25। अच्छा, अब क्वांटिटी कैसे निकालें, प्राइस तो रिसीव हो गई 25, क्वांटिटी कैसे निकालें। आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो 25 प्राइस है, यहाँ पर डिमांड सप्लाई दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब इस 25 को डिमांड में रखूं या सप्लाई में रखूं, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो आप किसी को भी एक में रख दें। अगर फॉर एग्जाम्पल इसको उठाकर मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आप देखें कि क्वांटिटी सप्लाई माइनस 100 + 5p कितना है, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा आएगा 125 -100, ये आपके पास बचेगा 25। अच्छा, ये इत्तेफाक है कि ये सेम वैल्यू आ गई, तो क्वांटिटी आपके पास आ गई कितनी, 25। अच्छा, ये जो सप्लाई से 25 आई है ना, अगर मैं डिमांड से निकालूँ तो इससे भी चेक करें, 150 - 5 और 25 ये करेंगे तो 150 - 125, तो आंसर वही बचेगा 25। तो दोनों से आंसर देखें सेम आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी 25 आ गई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी 25 आ गई, इनका सेम आना कोई ज़रूरी नहीं है। ये इत्तेफाक से वैल्यू जैसी अज्यूम हो गई कि वहाँ पर आंसर सेम आ रहा है, इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो हमने अपने जो क्वेश्चन है उसके फर्स्ट टू कॉम्पोनेंट पता कर लिए हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब हमने देखना है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। सबसे पहले तो देखें, यहाँ पर हाईलाइट करते हैं कि कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस है कहाँ पे।
देखिए ग्राफिकल डेफिनेशन जहन में रखें, क्योंकि हम ग्राफिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें ग्राफिकल डेफिनेशन जहन में रखनी है। हमने कहा था कंज्यूमर सरप्लस के लिए एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन, एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला ये ट्राइंगल है ये शो कर रहा है कि इसको कंज्यूमर सरप्लस को, और प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए हमने क्या था एरिया अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द प्राइस लाइन, या एरिया बिलो द प्राइस लाइन एंड अबव द सप्लाई कर्व। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है ये आपके पास क्या कहला रहा है, प्रोड्यूसर सरप्लस। अब हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। देखें इत्तेफाक से दोनों है राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हमने लीनियर फंक्शन एज्यूम किया था। अब जब लीनियर फंक्शन हमने एज्यूम किया था तो दोनों का कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, दोनों का फॉर्मूला वही है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ये हमने देख ली। कंज्यूमर सरप्लस की बात करते हैं, हाफ फॉर्मूले का बेस, बेस ये रही इस ट्राइंगल की बेस, ये रही कितनी है बेस की वैल्यू कितनी 25 है, और हाइट ये 25 से 30, ये आपके पास आ गई हाइट कितनी 30 में से 25 माइनस करेंगे तो 5 आपके पास हाइट आ गई। तो अगर आप इसको देखें 25 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 125, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा 62.5, दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस। और इस तरीके से अगर हम प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करें तो प्रोड्यूसर सरप्लस में हमने ये देखा कि हाफ बेस दोनों की सेम है 25, और हाइट देखें ये 25 और 20 का डिफरेंस है, तो इत्तेफाक से ये वैल्यू भी सेम आ गई कितनी 5। तो अगर आप देखें तो आपके पास ये आंसर निकल रहा है, सेम बन गया तो आपके पास इसका भी आंसर आ गया 62.5, दिस इज प्रोड्यूसर सरप्लस। इनका सेम आंसर आ जाना, सेम प्राइस आ जाना, क्वांटिटी आ जाना, ये समझेंगे कि इत्तेफाक है, वैल्यू जैसी अज्यूम हो गई हैं। ये इनकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, सेम भी आ सकती है और डिफरेंट भी आ सकती है। तो ये तो था आपके पास मार्केट इक्विलिब्रियम की मैथमेटिकल अप्रोच, जिसमें हमने मार्केट को मैथमेटिसाइज किया, मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस को फाइंड किया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड की, कंज्यूमर सरप्लस फाइंड किया, प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड किया। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।